बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोमिनीन इकराम, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक शिया जाकर नजमल हसन शराजी साहब, उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ कि जिसमें वो मजलिस पढ़ के आ रहे हैं और एक जवान बच्चा आगे बढ़ता है उनसे मुसाफा करने के लिए कि ये मौला का जाकिर है। तो वो नजमल हसन शराजी साहब इस तरह से उसको जैसे दुत्कार नहीं देते, दुत्कार देते हैं, और थोड़ा सा आगे जाके एक ऐसे जैसे वो बानी मजलिस थे उनसे हाथ मिलाते हैं, उस जवान को दुत्कार दिया उससे हाथ मिला ले। तो ज़ाहिर इस पर फिर सोशल मीडिया पे तनकीद हुई, और इस तनकीद का ये भी एक बड़ा खुशाइंदा अमल है कि कौम जिंदा है। गलत को गलत कहते हैं, इसका मतलब है कि गैरत कौम जिंदा है। तो हमारे मारूफ एक सफ़े अव्वल के जाकिर, जो कि अच्छी शोहरत के हामल हैं, बड़ा अच्छा उनका वो पढ़ते हैं, नजमल हसन नोतक साहब, उन्होंने इस जाकिर की बद अखलाकी पर दफा करने के लिए आगे उन्होंने क्या किया, आयत में नजमल हसन शराजी बच्चे दा हाथ नहीं गिंदा, वो क्यामत आ गई है। हजार बंदे दा हाथ गिंदा है, कहंदा नहीं गिन सकता बंदा, वो कोई ता दे जी वो उन पैसे होंडे ठन, तेको पता है पैसे होंडे ठन, तो तवन के पता करो दे उंदे नाने ने कितने सौ गरीब लड़की दी शादी की थी। अगर हाथ नहीं किता कौन है यार, कोई अर्श तो है जेड़ा वेंदा पे उंदी कोई इज्जत कोई नहीं, बात को ये पता ही कौन नहीं भेजने खिलाफ करे दे पे सैयद ही जमती पलाई वाले। मेरी सुनो यार, तक हुसैन दा वास्ते तो को इस किस्म की कोई गाल होवे उनको डिलीट कर लेता करो, या मैं एक बंद अपना कैमरा बंद कर लेता, कोई समझ आई भेजनी भी आई नहीं तो वत असा ऐलान कर दे सो भाई जी तलाई वाले हुसैन असा कोई ना पुछ वत बानी सुने ते तुसा आप उनों दी वीडियो करो, कोई समझ आई जी। मोमिनीन इकराम, आप सुन रहे थे कितने अफसोस की बात है कि आप की अच्छे जाकिर हैं सफ़े अव्वल के, लेकिन आप इसकी बद अखलाकी पर, और क्या दलाइल क्या दे रहे हैं कि जब कोई मजलिस पढ़ के जाकिर आता है, अभी मैं वो कह रहे थे अभी मैं पढ़ के जाऊँगा तो आप देखेंगे मेरी हालत क्या है, हज़ार बंदे से हाथ मिलाया और एक को नहीं मिलाया तो क्या उनसे क़यामत आ गई। जाकिर साहब आप वीडियो क्लिप तो देखें गौर से, हाथ ना मिला सकना बेतवज्जी भी से ये एक और बात है, इस तरह से उसको दुत्कारना उस बच्चे को, हाथ ना मिलाना वो अलहदा चीज है, ना मिला सकना बेतवज्जी नहीं गौर किया जाता, एक दुत्कार दिया है उसको, ये दो अलहदा अलहदा चीजें। फिर आप मिसाल देते हैं जी उसके नाना ने 100 बच्चियों की शादी की है, बहुत अच्छा अमल है, अप्रिशिएट करते हैं, अल्लाह ताला उनके बरकत डाले, लेकिन नाने का ये है, और नवासा देख लें कल्ला ने थोड़ी सी इज्जत और शोहरत दी है, और फिर ये मैं अर्ज करूँगा ये वीडियो का वायरल होना, इन पर तनकीद करना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है शिया कौम जो गलत को गलत कहते हैं सही को सही कहते हैं। और आपने कहा सैयद है, सादात का जो एहतराम नहीं करता वो बदनसीब है, सादात का एहतराम वाजिब है, सादात का एहतराम जो नहीं करता भाई आले नबी औलाद अली जिगर गोश अली बतूल की नस्ल, लेकिन हदूदो कयूद सादात के एहतराम की, एहतराम तो है लेकिन सादात का एहतराम, जज साहब खड़े हो जाएं, जज साहब माफ कर दें चोर को, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई सैयद साहब अगर चोरी कर लें तो जज साहब को चाहिए उनको, तो इसकी कोई हदूदो कयूद दे दें एहतराम सादात की खुदारा। और दूसरा मुझे ये नहीं समझ आती कि ये लाइव मजलिस से शिया जाकरीन खुतबा उलमा को क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो गुजनफर तौसवी साहब, शौकत रजा शौकत साहब, कामरा नबीए साहब, वो लाइव बंद कर दो, लाइव क्यों ना चलाओ, हम लाइव की क्यों दुनिया चांद पे पहुंच गई है, आप सब हमारे मजहब में हमारे माशरे में हमारे कौम में दुनिया में, दुनिया क्या है आप लाइव बंद कर दो, कोई गलत काम यहाँ होना है, लाइव क्यों बंद करानी है मजलिस, भाई लाइव बंद कर दो, भाई लाइव क्यों चला रहे हो जैसे वहां कोई गलत काम हो रहा है। खुदारा इस जाकिर साहब से मैं फिर कहूँगा, मैंने पहले भी एक वीडियो की है कि माजरत कर लेने से इंसान की इज्जत में इजाफा होता है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की कुर्बत नसीब होती है, अल्लाह व अहले बैत की कुर्बत नसीब होती है, तो माफ़ी मांगने से
कोई कमी नहीं आती। खुदारा आप बजाय इसके कि उसका दफ़ा किया जाए या उसको हौसला अफजाई की जाए, तो अल्लाह ताला हमारे ज़ाकरीन खुतबा उलमा को आजजी अता फरमाए और तकब्बर से बचने की तौफीक अता फरमाए।